Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में guys हम लोग बात करने वाले हैं WWE के Fastlane 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि गाइस जो कि WWE का क्राउन जूल का प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस, वो सऊदी अरेबिया का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, जिसके वजह से गाइस हमको ऐसा लग रहा है कि गाइस WWE हमको बहुत ही बड़े बड़े चीजें करते हुए दिख सकती है ये प्रीमियम लाइव इवेंट में। सो गाइस आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हो सकते हैं वो टीम बड़े सरप्राइजेस जो कि हमको ये प्रीमियम लाइव इवेंट में देख सकते हैं और शॉक कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं गाइस कि गाइस WWE गाइस क्राउन जूल को रेसलमेनिया के लेवल तक बुक कर देने वाली है ये साल, तो डेफिनेटली सरप्राइजेस तो भर भर के होने वाले हैं। गाइज नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं जो कि पॉसिबली बहुत ही लोगों के लिए ड्रीम मैच हो सकता है, वो है बिटवीन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना versus the enforcer of the bloodline Solo Sikoa। Guys, जैसे कि आपको पता होगा कि जॉन सीना ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में बोला था वो 2002 दिन हो गए हैं तभी वो लास्ट टाइम एक सिंगल्स मैच जीते थे, और वो चीज जॉन सीना को बहुत ही अंडर हर्ट कर रही है। तो जॉन सीना ने बोला कि अभी वो एक सिंगल्स मैच रेसल करना चाहते हैं जहां पे वो फाइनली ये गंदी वाली स्ट्रीक खत्म करते हुए देख सकते हैं, और उनका चैलेंज आंसर करते हैं Solo Sikoa। और मैंने आपको बहुत ही हफ्ते से बटा के रखा होगा हमको Solo Sikoa से जॉन सीना की फ्यूड क्राउन जूल में होते हुए दिखने वाली, तो गाइस पॉसिबली मैच हमको सच में क्राउन जूल में होते हुए देख सकता है। तो क्या पॉसिबली हमको ये मैच में हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना फिर से एक लॉस लेते हुए देख सकते हैं। गाइस मुझे लगता है ना गाइस, मैं गुस्सा आ रहा है मुझे WWE वालों पे कि आप जॉन सीना के साथ क्या कर रहे हो। गाइस बंदा इतना टाइम निकाल रहा है WWE में आ रहा है, लेकिन जॉन सीना भी एक बहुत ही बड़ा नाम हो गया है हॉलीवुड में। गाइस अगर मैं बोलूं गाइस हॉलीवुड के जो मूवीज है गाइस उसमें बड़े बड़े मूवीज में जॉन सीना आते हैं, ये समझो गाइस ऑलमोस्ट वो द रॉक के लेवल तक पहुंच जाएगा कुछ साल में, फिर भी गाइस वो WWE में ऐसे आते हैं कि वो अभी भी एक सिर्फ WWE सुपरस्टार है गाइस, फुल टाइम काम करते हैं। गाइस रेसलमेनिया 39 का गाइस जॉन सीना बहुत ही बिजी रहे, फिर भी गाइस उन्होंने रेसलमेनिया के लिए टाइम निकाला क्योंकि उनको WWE से बहुत ही ज्यादा प्यार है। तो मुझे लगता है गाइस WWE को फाइनली ये गंदी वाली स्ट्रीक जॉन सीना की खत्म कर देनी चाहिए और उनको एक सिंगल्स विन दे देनी चाहिए। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जो भी हमारे WWE के फैंस हैं जो बचपन में जॉन सीना को बहुत ही एडमायर करते थे, तो वो भी WWE पे भड़क रहे कि आप जॉन सीना के साथ क्या कर रहे हो। तो पॉसिबली गाइस मुझे लगता है फाइनली हमको ये स्ट्रीक खत्म होते हुए दिखने वाली है और जॉन सीना उनका पहला विन लेते हुए दिखने वाले हैं क्राउन जूल के प्रीमियम लाइव इवेंट में, तभी वो Solo Sikoa को हरा के वो मैच जीत ले गए। फिर गाइस नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे जो कि एक बहुत ही बड़ा मैच है क्राउन जूल के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अनाउंस हुआ है, फॉर अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन सेट फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस चैलेंजर ड्रू मैकइंटायर। गाइस जो ये दोनों स्टार्स के प्रोमो बैटल हो रहे हैं ना गाइस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, डेफिनेटली गाइस वो देखिए तो बहुत ही मजा आ रहा है। गाइस समझो गाइस क्या मैच ये सुपरस्टार्स डिलीवर कर सकते हैं, यानी एक तरफ है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर और दूसरी तरफ है हमारे सेट रॉलिंस, दोनों ही फेस सुपरस्टार है। और गाइस WWE कैसे मैच में शॉकर भी दे सकते हैं हमको क्या पता वो ड्रू मैकइंटायर को डे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं कहेंगे, मैच बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल भी लगेगा। सेम टाइम में लोग ये भी सोचते हैं कि फाइनली क्या वो वक्त आ गया है कि सेट रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का एंड आ गया है। गाइस मेरा हमेशा से एक ही कहना रहा है, अगर आप मेरे को रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हो, कि मुझे लगता है कि सेट रॉलिंस गाइस रेसलमेनिया 40 तक तो गाइस चैंपियनशिप उनके पास ही रखें वाले, क्योंकि सेट रॉलिंस के पास गाइस तब तक चैंपियनशिप रहेगी तब तक उनकी प्रेस्टीज बढ़ते जाएगी, क्योंकि पूरे जो रॉ के रोस्टर में गाइस मुझे लगता है कि सेट रॉलिंस एक ऐसा एक्सपीरियंस सुपरस्टार है जो कि वो चैंपियनशिप को वो लेवल तक लेके जा सकता है। हाँ ड्रू मैकइंटायर भी वो काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो सेट रॉलिंस और भी बेटर कर सकते हैं। तो क्राउन जूल मुझे लगता है कि हमारे मोस्ट प्रोबेबली गाइस ड्रू मैकइंटायर मैच हारते हुए दिखने वाले हैं। गाइस इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्यूड हमको खत्म होते हुए दिखने वाली है, गाइस पॉसिबली हमको ड्रू मैकइंटायर का हील टर्न की शुरुआत ये
मैच के बाद से देख सकते हैं गाइस। जैसे कि आपको पता रहेगा कि बहुत ही रूमर्स आ रहे हैं कि पॉसिबली ड्रू मैकइंटायर हमको उनका हील टर्न करते हुए देख सकते हैं, तो पॉसिबली गाइस ये वो मैच हो सकता है जो फाइनली लीड करते हुए देख सकता है ड्रू मैकइंटायर के इवेंचुअल हील टर्न के लिए। तो पॉसिबली गाइस हमको मैच में मोस्ट प्रोबेबली हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही जीतते हुए देखने वाले हैं और हमको सक्सेसफुली उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते हुए देखने वाले हैं एट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल 2023। फिर गाइस नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है क्राउन जूल 2023 का मेन इवेंट मैच, जहां पे हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं अगेंस्ट द मेगास्टार एलए नाइट। गाइस डेफिनेटली मैच तो अच्छा होने ही वाले हैं, समझो ये मैच में ऐसे होने वाला है कि जो मैक्सिमम डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस है गाइस वो एलए नाइट की तरफ होने वाले हैं। जो एलए नाइट ने जो काम किया गाइस इतने कम समय में गाइस एलए नाइट ने पूरे फैन बेस को उनकी तरफ कर लिया है वो गाइस मैं आज तक रिसेंट में तो इतना नहीं देखा, मुझे लास्ट टाइम ऐसा काम डैनियल ब्रायन ने किया था और सैमी ज़ेन ने भी किया था एलिमिनेशन चैम्बर के वक्त। गाइस एलए नाइट ने जो काम किया है गाइस विदाउट गेटिंग इन एनी मेन इवेंट पिक्चर, फिर भी गाइस एलए नाइट एक मेन इवेंट स्टार बन गए हैं बिना एक भी बार वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए। तभी भी डैनियल ब्रायन भी गाइस तभी उनका राइज हुआ था अचानक से, तभी वो एटलीस्ट गाइस एक फॉर्म ऑफ वर्ल्ड चैंपियन थे और सैमी ज़ेन गाइस आपको पता है कि उनको तो अच्छे से बिल्ड किया था रोमन रेंस के बाजू में, वो भी एक रीजन पकड़ सकते कि क्यों हमको सैमी ज़ेन को उतना सपोर्ट मिलेंगे। एलए नाइट ने खुद के दम पे गाइस पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के एक फैन फेवरेट सुपरस्टार बन गए। यूजुअली हम लोग क्या देखते गाइस जो सुपरस्टार्स रहते गाइस वो पहले गाइस वो चैंपियन के साथ थोड़े गाइस ऐसे कुछ तो मारामारी करते हैं, तो गाइस कुछ स्टोरीलाइन तैयार करते हैं जिससे कि गाइस ऑडियंस उनके साथ रहे। एलए नाइट ने गाइस ना कोई बड़े स्टार के साथ फ्यूड किया, उन्होंने गाइस उनके खुद के ऊपर वर्क करके पूरे फैंस को उनके तरफ किया। नहीं गाइस आप सोचो गाइस ब्रे वाइट ने सिर्फ आज तक मुझे लगता है एक ही बड़े स्टार के साथ मैच रसल किया रहेगा वो है हमारे ब्रे वाइट, और मुझे लगता है ब्रे वाइट छोड़ के कोई ऐसा बंदा है जिसको एलए नाइट ने फेस किया है जो कि एक मेन इवेंट स्टार का लेवल हो, द मिस भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है द मिस की जो रीसेंट बुकिंग है वो एक मेन इवेंट सुपरस्टार की रही है। लेकिन बंदे ने ब्रे वाइट के साथ सिर्फ एक ही बंदे के साथ मैच काम किया है, फिर उनका कैसे पता स्टॉक थोड़ा लो भी था कि अचानक से कैसे वापस से राइज पे आ गए और पूरे फैंस इनके पीछे, तो डेफिनेटली मैच तो अच्छा होने वाला है। तो क्या हमको पॉसिबली ये वो जगह होते हुए देख सकते हैं क्राउन जूल में जहां पे हमको हमारे मेगा स्टार एलए नाइट वो फाइनल बंडा बंडे देख सकता है जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करके देख सकते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। सो मुझे ऐसा नहीं लग सकता एलए नाइट वो बंदा होने वाला है जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करते हुए देखने वाला है, क्योंकि बाहर ऐसे भी आप भी समझो गाइस कि समझो गाइस रोमन रेंस के अगर गाइस ऐसे 100 200 या 300 वाली रिंग की भी रिटेन रहती है ना गाइस, तो गाइस एक बार मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा सोचती कि हम लोग एलए नाइट को चैंपियनशिप दे रहे। लेकिन गाइस बाहर ऐसी है कि रोमन रेंस की गाइस रेन इतनी लंबी हो गई है गाइस 1000 दिन के भी ऊपर, तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे वक्त एंड करनी चाहिए जहां पे गाइस हमारे रोमन रेंस गाइस उनके एक मेमोरेबल एंड बने उनके पूरे ट्राइवल सिर्फ गिमिक के और चैंपियनशिप की। और जो मुझे गाइस एक अच्छी जगह लगी थी वो थी समर स्लैम पे जहां पे रोमन रेंस जे उसो को हार सकते लेकिन वहां पे नहीं हारे, अब देखते हैं क्या होने। मुझे लगता है एलएन वो बंदा होने क्योंकि रोमन रेंस को हरा के द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैच में हमको हमारे रोमन रेंस ही जीतते हुए दिखने वाले हैं, हमको सक्सेसफुली गाइस हमारे रोमन रेंस गाइस रिटेन करते हुए दिखने वाले हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट क्राउन जूल 2023। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।